इंदौर के पितृ पर्वत पर अष्टधातु से पितरेश्वर हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण किया गया है, जिसके चलते 19 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को कलश यात्रा से हुई। यात्रा की अगुवाई बड़ी संख्या में साधु संत और महात्माओं द्वारा की गई। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस आयोजन को निर्देशित कर रहे हैं। इसी कड़ी में कलश यात्रा की शुरुआत एरोड्रम रोड स्थित विद्याधाम मंदिर से हुई, जो 7 किलोमीटर का सफर तय कर पितृ पर्वत पर पहुंची। यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने देवी अंजना के रूप में भाग लिया। कहा जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए विश्व की सबसे लंबी कलश यात्रा का रिकॉर्ड कायम होगा। देखिए, ये तो हनुमान जी की कृपा है कि इतना बड़ा स्वरूप उनका इंदौर में मिल रहा है हमको, और ये बिना हनुमान जी की कृपा के संभव नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों की कल्पना पूरी हो रही है। आज से विधिवत वैदिक तरीके से प्राण प्रतिष्ठा समारोह प्रारंभ हो गया। उसकी शुरुआत में आज हनुमान जी की यात्रा, जो कि वहाँ पर मूर्ति, जो पूजनीय मूर्ति स्थापित होने वाली, उसका वैदिक पद्धति से आज से प्रारंभ हो गया है। उनको आज यहाँ से यात्रा के रूप में ले जाएंगे और 4 दिन की जो वैदिक प्रक्रिया, उसके माध्यम से उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। फिर 3 तारीख को इंदौर नगर का भोज है, पूरे नगर के लोगों को आमंत्रित करेंगे कि हनुमान जी का प्रसाद लेकर। गौरतलब है कि पितृ पर्वत पर राम भक्त हनुमान की 66 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण ग्वालियर के 125 कारीगरों द्वारा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर।